हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि ब्रेकिंग से है। तो यहाँ पे हमारे पास पांच तरह का डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकिंग है। सबसे पहला है कोस्टिंग, दूसरा है मैकेनिकल फ्रिक्शन, तीसरा है डायनेमिक ब्रेकिंग और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, चौथा है प्लगिंग और लास्ट है हमारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोस्टिंग के बारे में कि कोस्टिंग होता क्या है। तो सबसे पहला है कोस्टिंग, और यहाँ पे मैं जो भी ब्रेकिंग डिस्कस कर रहा हूँ एक तरह से डीसी मोटर के ऊपर हो रहा है ये, ठीक है। यानी एक हमारा डीसी मोटर है जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट कर रहा है और इसको अगर हम लोग को स्टॉप करना होगा तो हम लोग किस तरह से उसको स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहला है कोस्टिंग, यानी यहाँ पे मैं एक डीसी मोटर बनाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा आर्मेचर है, ये ब्रशेस हो गया और आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग होने के कारण यहाँ पे इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा। इस आर्मेचर के अंदर आइए करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमारा ईबी यानी बैक ईएमएफ जनरेट होगा। और ये मान लेते हैं कि हमारा एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के लिए मैं अलग से एक बैटरी यूज़ करता हूँ और उसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा ताकि हम लोग इसका फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकें। ये आरएफ हो गया, यहाँ पे फाई हो गया, ये मान लेते हैं वीएफ यानी फील्ड वोल्टेज। और यहाँ पे हम लोग एक और वोल्टेज यूज़ करेंगे आर्मेचर टर्मिनल के लिए, इसको मान लेते हैं हम लोग वीएस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा शाफ्ट होगा मोटर का और ये लोड से कपल्ड होगा। कोस्टिंग में होता क्या है, कोस्टिंग के अंदर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आईए है, आईए हमारा क्या हो जाए, जीरो। और आपको पता है कि टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स इनटू आईए के ऊपर। अब यहाँ पे हमारा दोनों टर्मिनल जो है डिस्कनेक्ट हो गया, यानी वी एस बी और वी एफ बी, तो यहाँ पे हमारा फाई भी जीरो और आईए भी जीरो, तो टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अब टॉर्क जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोटर पहले से मान लेते हैं रोटेट कर रहा है 1000 आरपीएम पे, तो यहाँ पे इसके अंदर अपने आप क्या होगा, इनर्शिया होगा। इनर्शिया होने के कारण क्या होगा, ये कुछ देर तक रोटेट करते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एक टीजी जनरेट हुआ था पहले और इसका स्पीड था ओमेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो टॉर्क जीरो हो गया, लेकिन हमारा जो स्पीड है इनर्शिया के कारण ये अभी तक बचा हुआ है मोटर के अंदर। तो इसको रुकने में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे धीरे। जैसे हम लोग सीलिंग फ़ैन को जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो थोड़ा देर के बाद वो क्या होता है, स्टॉप होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोस्टिंग। और ये जो कोस्टिंग है ये बेसिकली हम लोग ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन के सिचुएशन में जैसे मान लेते हैं हमारा मेन लाइन है, अब मेन लाइन से स्टॉपेज आने वाला है, ठीक है, यानी स्टेशन आने वाला है। तो स्टेशन आने से कुछ देर तक पहले हम लोग क्या करते हैं, मोटर को यानी जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम लोग जीरो कर देते हैं। और एक्सेलरेशन जीरो होने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे चलेगा, यानी मोटर जब भी चलेगा तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोस्टिंग। और जब ग्राफ पढ़िएगा ट्रैक्शन के अंदर तो हमारा ये कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस हुआ मोटर को रोकने का जिसको बोलते हैं हम लोग कोस्टिंग। ये सिंपली हमारा यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, उस बेसिस पे हमारा मोटर जितना टाइम में रुके उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इस मोटर को स्टॉप होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, यानी टाइम बहुत ही ज़्यादा लेगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है, जैसे मैकेनिकल ब्रेकिंग। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमारा सेम, यहाँ पे भी हमारा आर्मेचर होगा, यहाँ पे हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, आईए होगा, यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे, यानी जो फिगर यहाँ पे है सेम यहाँ पे फिगर होगा, ठीक है, सेम यही भी फिगर होगा वही। बस यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, जैसे ये हमारा शाफ्ट है मोटर का और ये कपल्ड है लोड के साथ, तो इस बेसिस पे यानी यहाँ पे मोटर का जो शाफ्ट है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकिंग शू यूज़ करते हैं जो कि बाइक ये सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ब्रेकिंग शू के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं दोनों तरफ से, तो ये क्या होगा, इसके साथ टच होगा, यानी इस शाफ्ट के साथ टच होगा। अब शाफ्ट के साथ टच होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। और जैसे ही हमारा फ्रिक्शन जनरेट होगा तो ये मोटर क्या होगा, धीरे धीरे रुकेगा, जिस तरह से हम लोग मैकेनिकल ब्रेकिंग बाइक ये सब में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये मेथड हो गया जिसको बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो इसमें भी हमारा प्रॉब्लम है कि इसके अंदर हमारा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने के कारण यहाँ पे जो हमारा शाफ्ट है उसको एक तरह से डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए एक तरह से एडवांटेज वाला मतलब ब्रेकिंग नहीं है। तो इससे बचने के लिए फिर हम लोग दूसरा ब्रेकिंग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, और इसी का दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग।
इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इस ब्रेकिंग के अंदर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक रेजिस्टर ऐड करते हैं। अब कैसे ऐड करते हैं इसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक मोटर है, इसका ब्रश हो गया और यहाँ पे हमारा आरए हो गया यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारा आईए हो गया आर्मेचर करंट, और यहाँ से हम लोग आर्मेचर के अंदर सप्लाई दे रहे हैं। अब ये हमारा क्या, एक तरह सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, तो यहाँ पे मैं बार बार फील्ड वाइंडिंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है, नहीं तो फिर वैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा हो गया यहाँ पे और एक हमारे यहाँ पे होगा। अब देखिए ये मान लेते हैं हमारा मोटर है और इस मोटर पे टॉर्क है टी जी, स्पीड है ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल ले लेते हैं, एन इक्वल टू एनी स्पीड जो है इस मोटर का 1000 आरपीएम, यानी 1000 आरपीएम पे ये रन कर रहा है। अब इस मोटर को हम लोग क्या करना है, रोड स्टॉप करना है, ठीक है। तो स्टॉप करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस प्रोसेस में यहाँ पे हम लोग एक रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस रजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए इसके साथ यहाँ पे एक स्विच यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डबल थ्रो डबल पोल स्विच, ठीक है। इस तरह से होता है ये, ये रेजिस्टेंस का साफ्ट हो गया, ये इसका साफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। अब जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो हम लोग पहले वाले जो प्रोसेस पढ़े थे यानी कोस्टिंग, कोस्टिंग में क्या था, हम लोग सिंपली डिस्कनेक्ट कर देते थे, उस बेसिस पे हमारा जब तक इनर्शिया मोटर में तब तक ये चलते रहेगा, उसका धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉप होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो इस टाइम को हम लोग कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या ऐड कर रहे हैं, एक रजिस्टर ऐड कर रहे हैं, और इस रजिस्टर का वैल्यू जो होता है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। हाई कहने का मतलब यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है इसका डबल ट्वाइस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे यानी सप्लाई वोल्टेज हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद अभी भी इसके अंदर क्या होगा, एक तरह से इनर्शिया होगा। इनर्शिया होने के कारण क्या होगा, ये अभी भी साफ्ट हमारा रोटेट कर रहा है, साफ्ट रोटेट कर रहा है, यानी इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स कट कर रहा होगा, फ्लक्स कट कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, अभी ये एक तरह से जनरेटर की तरह काम कर रहा होगा, जनरेटर की तरह काम कर रहा होगा, यानी ये हमारा करंट जो है बाहर की तरफ सप्लाई कर रहा होगा। तो इस करंट को हम लोग क्या करते हैं, डबल थ्रो डबल पोल स्विच यूज़ करके यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, यानी ये स्विच जो है हमारा इसके साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ से जो हमारा जो भी वोल्टेज आ रहा है यानी जो भी करंट आ रहा है, ये सिंपली हमारा यहाँ पे आई स्क्वायर आर के फॉर्म में डिसिपिएट होगा, और यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है, तो लोड लगने के कारण क्या होगा, एक तरह से जैसे हमारा जनरेटर का प्रॉपर्टी है कि जनरेटर में ज़्यादा लोड लगाएंगे तो वहाँ पे जो होता है हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइम मूवर पे ज़्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। लोड ज़्यादा पड़ेगा तो ऑटोमेटिक जो होगा ये साफ्ट क्या होगा, धीरे धीरे रुकने के बजाय बहुत जल्दी ही रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं रिस्टेटिक ब्रेकिंग, और इसको दूसरा नाम से जानते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग। नेक्स्ट है हमारा प्लगिंग। प्लगिंग जो है बेसिकली हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को हाई ब्रेकिंग टॉर्क चाहिए होता है, ठीक है। यानी इस मेथड के अंदर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हाई ब्रेकिंग टॉर्क मिलता है, जिससे कि मोटर जो है 1 सेकंड से कम समय में यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा आर्मेचर है, ये ब्रश हो गया, ये आईए हो गया, आरए आईए, यहाँ से तो ये हमारा यहाँ पे फील्ड हो गया, फ्लक्स हो गया, यहाँ पे ईबी हो गया। अब देखिए प्लगिंग में करते क्या है, मान लेते हैं यहां से हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वीएस, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा है, मोटर हमारा भी रन कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्पीड पे यानी 1000 आरपीएम पे यहाँ पे भी रन कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं इसको रोटेट करना, तो प्लगिंग के अंदर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो पोलैरिटी है यानी ये जो प्लस है ये माइनस है, इसको हम लोग जस्ट इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब यहाँ पे जैसे प्लस था पहले, तो इसको हम लोग अब माइनस कर देंगे, और यहाँ पे जो है प्लस है इसको हम लोग माइनस की जगह प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। पोलैरिटी जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं अभी ये आर्मेचर का है, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे पहले ये प्लस था और ये माइनस था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि मोटर का जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से पोलैरिटी चेंज करेंगे यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करेंगे, तो
ये हमारा पॉलिटी चेंज हो रहा है, पॉलिटी चेंज करने के कारण क्या होगा, हमारा मोटर का डायरेक्शन जो होगा जस्ट रिवर्स होगा। रिवर्स कहने का मतलब पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था तो अब हमारा जस्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 1000 RPM पे हमारा रन कर रहा है मोटर, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे पॉलिटी तो बहुत ही फास्ट स्पीड में यानी बहुत ही हाई ब्रेकिंग टॉर्क लगेगा इस पे, और ये हमारा मोटर जो होगा एक पर्टिकुलर जीरो स्पीड पे आएगा सबसे पहले, और फिर जीरो स्पीड पे आने के बाद जो है ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा बहुत ही हाई ब्रेकिंग टॉर्क मिलता है, और इसके अंदर हम लोग को एक तरह से प्रोग्रामेबल यहाँ पे सर्किट बनाना पड़ता है जिस बेसिस पे जैसे ही हमारा मोटर जो है जीरो पे आए उसी तरीके से उसी बेसिस पे जैसे ही हमारा जीरो पे आ गया उसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये पॉलिटी चेंज किया हुआ जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमारा मोटर जो है तुरंत स्टॉप हो जाता है, और इस मेथड को बोलते हैं प्लगिंग। अब यहाँ पे एक रिलेशन जैसे ये होता है कैसे इसको समझते हैं, देखिए जैसे हमारा इस पॉलिटी पे काम कर रहा है मोटर, तो इस पॉलिटी पे काम कर रहा है मोटर, तो यहाँ पे देखिए आईए यानी आर्मेचर करंट का वैल्यू क्या होगा, आईए इक्वल टू यहाँ पे ये वीएस है। ठीक है, ये वीएस है, यहाँ पे आईए, आईए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वीएस माइनस ये बैक ईएमएफ यहाँ पे है तो ईबी डिवाइडेड बाय आरए, आरए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जब केवीएल लगाइएगा तो उस बेसिस पे हमारे ये रिलेशन आएगा जब हम लोग ये पॉलिटी यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे यानी पॉलिटी चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो आईए का वैल्यू होगा ये आईए इक्वल टू हो जाएगा ईबी, सॉरी यहाँ पे वीएस है, सप्लाई वोल्टेज वीएस है हमारा, वीएस प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईबी। ठीक है, यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो इस सिचुएशन पे हमारा क्या होगा, बहुत ही हाई ब्रेकिंग टॉर्क लगेगा, और हाई ब्रेकिंग टॉर्क लगने के कारण हम लोग को बहुत ही जल्दी जो है मोटर स्पीड जो है एकदम जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, और ये जो ब्रेकिंग है बेसिकली हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग मोटर को एज अ जनरेटर की तरह वर्क करते हैं, और जब हमारा डीसी मोटर जनरेटर की तरह काम करता है यानी डीसी जनरेटर की तरह जब काम करता है तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, पावर मिलता है। ठीक है, और इस पावर को हम लोग फिर से क्या करते हैं, री यूटिलाइज करते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। और इस ब्रेकिंग के अंदर हम लोग कभी भी मोटर यानी कभी भी हम लोग व्हीकल को यानी जो हमारा लोकोमोटिव है, ज़्यादातर हम लोग लोकोमोटिव में इसको यूज़ कर पाते हैं, व्हीकल को हम लोग कभी भी क्या करते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्टॉप यानी रोक करके नहीं रख सकते हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का। अब देखिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में होता क्या है, जिस तरह से इसका नाम दिया हुआ है रीजेनरेटिव यानी फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को जेनरेट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा जो मोटर है, मान लेते हैं इसका जो नो लोड स्पीड है ये 1000 RPM है। ठीक है, और ये हमारा मोटर जो है रन कर रहा था, यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ पहले, ये हमारा आर्मेचर हो गया, ब्रश हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा यहाँ पे फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं आरएफ हो गया, फाई हो गया, वीएफ हो गया, और यहाँ से हमारा वीएस हो गया। ये हमारा साफ्ट है और ये रन कर रहा है 1000 RPM पे। अब देखिए 1000 RPM पे रन कर रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं जो डायरेक्शन है ये इस तरह से है। ठीक है, इस तरह के इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि इसमें जो ईबी है यानी बैक ईएमएफ जो है मोटर का वो बड़ा होना चाहिए सप्लाई वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज से। तो ये सिचुएशन कब आएगा, तो ये सिचुएशन तभी आ सकता है जब हमारा जो स्पीड है यानी जो साफ्ट का स्पीड है ये नो लोड स्पीड मान लेते हैं इसका 1000 RPM लेके चल रहे हैं, तो 1000 RPM से इसका जब हमारा स्पीड अधिक हो जाएगा उस सिचुएशन में हमारा ईबी जो होगा बड़ा हो जाएगा वीएस से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ईबी इक्वल टू होता है फाइ जेड एन पी बाय 60, और यहाँ पे जो हमारा एन है एन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ईबी भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ईबी यहाँ पे कंडीशन मान लेते हैं कि वीएस यानी टर्मिनल वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट है, और ईबी का जो वैल्यू है ईबी का वैल्यू अगर हमारा मान लेते हैं 230 भी हो गया या फिर 250 भी हो गया तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ये हमारा VS है, VS यानी इस डायरेक्शन में है, और EB जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, यानी अगर हमारा VS इधर है और EB इधर है दोनों का अलग अलग डायरेक्शन यानी अपोजिट है, तो अगर हमारा मान लेते हैं अभी VS जो है 200 वोल्ट है,
ठीक है, और ईबी अभी हम लोग का मान लेते हैं 150 वोल्ट है, तो इस सिचुएशन में हमारा नेट वोल्टेज कितना बचेगा, यानी 50 वोल्ट, वो भी इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि बड़ा हम लोग का वीएस है। लेकिन जैसे ही हमारा ईबी बड़ा हो जाएगा, अब इस सिचुएशन में 200 वोल्ट हमारा वीएस है, टर्मिनल वोल्टेज तो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन अभी हमारा स्पीड बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ेगा तो हमारा ईबी बढ़ जाएगा, ईबी अब मान लेते हैं हमारा 250 वोल्ट है, तो 250 यानी अब हमारा जो वोल्टेज होगा ये इस डायरेक्शन में बचेगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा 50 वोल्ट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है ईबी का, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से रिवर्स हो गया, यानी टोटल जो हमारा डायरेक्शन था वो रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के कारण इस सिचुएशन में हमारा ईवी जो है ग्रेटर हो गया, वीएस अब ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो रोटेशन है ये चेंज हो जाएगा, ये पहले क्लॉकवाइज में था तो ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो इस टाइप के ब्रेकिंग को कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और ये कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लेते हैं ये हमारा एक लोकोमोटिव है, और लोकोमोटिव जो है एक ढलाओं से उतर रहा है, ठीक है, यानी ढलाओं से उतर रहा है, यानी यहाँ से हमारा क्या है, एरिया डाउन है, तो एरिया डाउन होगा तो सिंपल सी बात है यहाँ से ऑटोमेटिक क्या होगा, इनर्शिया या फिर मोमेंटम कारण इस ट्रेन का अगर स्पीड 1000 rpm है, और 1000 rpm है तो यहाँ पे ये ढलाव होने के कारण क्या होगा, ऑटोमेटिक इसमें हमारा क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से एक साइकिल कोई बच्चा उतारेगा, साइकिल चलाएगा यहाँ से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका स्पीड प्लस ये ढलाव होने के कारण इसका स्पीड और भी बढ़ जाएगा, उस बेसिस पे हमारा जो स्पीड होता है, नेट स्पीड जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है। स्पीड इंक्रीज होने के कारण हमारा एक सिचुएशन आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें ईबी जो होगा, अगर हमारा वीएस यानी टर्मिनल वोल्टेज से फिर सप्लाई वोल्टेज से अधिक हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो है मोटर का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उस बेसिस पे हमारा ये जनरेटर की तरह काम करता है। तो ये कुछ टाइप्स थे ब्रेकिंग के जो कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, और आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो ब्रेकिंग यूज़ होता है वो होता है प्लगिंग। ठीक है, क्योंकि प्लगिंग में हमारे पास बहुत ही हाई ब्रेकिंग टॉर्क मिलता है, और हाई ब्रेकिंग टॉर्क मिलने के कारण हमारा मोटर जो है बहुत ही रैपिडली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यानी बहुत कम समय में स्टॉप होता है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं, जितना भी हम लोग के पास यहाँ पे ब्रेकिंग था। देखिए ये मान लेते हैं हमारा स्पीड है ओमेगा, ठीक है, यानी स्पीड का एक्सिस है, इसको एन से भी, यानी अगर आरपीएम में होगा तो एन लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड में होगा तो हम लोग ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा टाइम है, यानी टाइम एक्सिस। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास था कोस्टिंग, ठीक है, तो कोस्टिंग में क्या था, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम उसके अंदर बना हुआ था मोटर के अंदर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, यानी धीरे 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 क्या होगा, रुकेगा। ये जो ग्राफ है ये हमारा है कोस्टिंग का। उसके बाद था हमारा मैकेनिकल ब्रेकिंग, नहीं तो फिर मैकेनिकल फ्रिक्शन ब्रेकिंग। तो इस सिचुएशन में क्या था, यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा रहे थे, ब्रेक शू से प्रेशर लगा रहे थे, प्रेशर लगाने के और वहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण हमारा जो शाफ्ट का स्पीड है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो उस बेसिस पे ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिकल ब्रेकिंग। और सेम ग्राफ जो होगा ये हमारा डायनेमिक ब्रेकिंग का भी होगा। डायनेमिक ब्रेकिंग का भी क्यों होगा, क्योंकि डायनेमिक ब्रेकिंग में भी हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे, इनर्शिया को ख़त्म करने के लिए हम लोग सिंपली एक रेजिस्टर यानी रियोस्टेट ऐड कर रहे थे। तो ये ही ग्राफ जो होगा ये डायनेमिक ब्रेकिंग का भी होगा, ठीक है, या फिर रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का। लास्ट था हमारे पास प्लगिंग, तो प्लगिंग का हमारा हो जाएगा बहुत ही फास्ट है, यानी बहुत ही रैपिडली है। तो इस सिचुएशन में इसका जो टाइम पीरियड होगा ये बहुत ही ये होगा इस तरह से, ठीक है, ये हमारा हो गया प्लगिंग। तो और लास्ट जो हमारा रीजनरेटिव था, तो रीजनरेटिव हम लोग स्टॉपिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पांच तरह का ब्रेकिंग है जो कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डीसी मशीन यानी दोनों डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं कि इस मोटर को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं या फिर इस जनरेटर का कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डीसी जनरेटर के बारे में बात करते हैं। तो डीसी जनरेटर के अंदर हमारा कितना है, सबसे पहला है डीसी संट जनरेटर। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से कांस्टेंट फ्लक्स होगा इसके अंदर, कांस्टेंट फ्लक्स होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे जो हमारा ईजी होगा यानी जनरेटेड ईएमएफ, ये भी हमारा क्या होगा,
ईजी इक्वल टू फाई जेड एन पी बाय 60। तो ये कांस्टेंट तो हमारा एन और फाई पे डिपेंडेंट है ईजी, ठीक है, स्पीड और फ्लक्स के ऊपर। तो इस बेसिस पे हमारा बेसिकली हम लोग कांस्टेंट ही रखते हैं ईजी, जो जनरेटेड ईएमएफ होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो इस बेसिस पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को बैटरी चार्ज करना होता है, ठीक है। जैसे डीसी बैटरी अगर चार्ज करना होगा हम लोग को, तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज़ करेंगे डीसी संट जनरेटर, यानी फोर चार्जिंग बैटरीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग डीसी संट जनरेटर का यूज़ करते हैं एक्साइटेशन के लिए। जैसे जितने भी अल्टरनेटर हैं हमारे, जैसे अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर के अंदर जो हम लोग को रोटर का मैग्नेट बनाना होता है, यानी परमानेंट मैग्नेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्साइटेशन देते हैं डीसी एक्साइटेशन। तो डीसी एक्साइटेशन के लिए हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं डीसी संट जनरेटर, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारा डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन। सबसे पहला हो गया बैटरी चार्जिंग के लिए, और दूसरा हो गया हम लोग एक्साइटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें देखिए इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो जनरेटर होता है ये हमारा थोड़ा कॉस्टली जनरेटर हो जाता है। कॉस्टली क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक अलग से डीसी सोर्स यूज़ करते हैं फील्ड के अंदर करंट देने के लिए, यानी एक्साइटेशन देने के लिए। ये हमारा आईए हो गया, ये आरए हो गया, यहाँ से हमारा मान लेते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, तो इसका फील्ड रेजिस्टेंस होगा ये हमारा यहाँ से वीएफ आईएफ आरएफ, ये हमारा फाइ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज के लिए यूज़ कर रहे हैं सोर्स, ये तो हमारा अलग से ही एक एक्स्ट्रा खर्चा है ना इसमें, तो इस बेसिस पे हमारा ये क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। और इस जनरेटर का हम लोग बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही वेरिएबल वोल्टेज चाहिए होता है आउटपुट में, यानी जो हम लोग को ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ जो चाहिए, वो बहुत ही हम लोग को अगर अधिक या फिर कम यानी प्रिसाइज वैल्यू एकदम परफेक्ट वैल्यू चाहिए होगा, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अभी कैसे मिल पाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है फाई है, ठीक है, और फाई हमारे यहाँ पे इस तरह से, तो ये कैसे होता है देखिए, ईजी इक्वल टू फाई जेड एन पी बाय 60। ये कांस्टेंट स्पीड भी हमारा एक पर्टिकुलर अगर हम लोग रेटेड रखेंगे यहाँ पे, तो ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ईजी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, फाई पे, ठीक है। और फाई जो है हमारा, इसको हम लोग अलग से कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं अलग से वोल्टेज सोर्स यूज़ करके कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस फाई का वैल्यू हम लोग सिंपली इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सके, और फ्लक्स हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, तो हमारा ईजी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे ईजी को यानी फ्लक्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का दो मेथड है, या तो हम लोग वीएफ को वेरिएबल बना दें, या फिर हम लोग यहाँ पे फील्ड जो आरएफ है यानी फील्ड रेजिस्टेंस है, इसको वेरिएबल रेजिस्टर लगा करके हम लोग इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सके। उससे बेसिस पे हमारा आईएफ इंक्रीज या डिक्रीज होगा, आईएफ इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो फिर हमारा फ्लक्स भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग को वेरिएबल या फिर एक पर्टिकुलर यानी एकदम जैसे 10 वोल्ट चाहिए तो 10 वोल्ट ही चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए तो 20 वोल्ट ही चाहिए, तो ये हम लोग अचीव कर सकते हैं इस वोल्टेज यानी ये जो हमारा फील्ड वोल्टेज है इसको चेंज करके, या फिर हम लोग फील्ड रेजिस्टेंस को वेरी करवा करके। दूसरा इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है वार्ड लिनोट कंट्रोल में, ठीक है। वार्ड लिनोट मेथड जो हम लोग स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज यानी वीजी यानी जो मोटर का हमारा टर्मिनल वोल्टेज है इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ करके हम लोग क्या करते हैं, मोटर का जो स्पीड है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज यानी वेरिएबल वोल्टेज हम लोग कहाँ से ऑप्टेन करेंगे, तो सिंपली हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर यानी एमजी सेट जो यूज़ करेंगे मोटर जनरेटर का, तो इसमें जो जनरेटर होगा ये हमेशा हमारा होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। सबसे पहला है वार्ड लिनोट स्पीड में यानी कंट्रोल स्पीड में यूज़ करते हैं, और दूसरा हो गया हमारा जहाँ पे हम लोग को एकदम पर्टिकुलर वैल्यू वोल्टेज का चाहिए होगा वहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सीरीज जनरेटर यानी डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है, इसमें हमारा जो वाइंडिंग होता है सिंपली हमारा क्या होता है, सीरीज में होता है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारा किसी भी लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। ड्रॉप जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग सीरीज जनरेटर यानी डीसी सीरीज जनरेटर को यूज़ करते हैं एज अ बूस्टर, और इसको हम लोग लाइन के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यानी इसको मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा यहाँ पे एज अ बूस्टर, और ये हमेशा इन सीरीज होगा, ठीक है, सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। उसके बाद है हमारा सीरीज लाइटनिंग लोड,
ठीक है, यानी हम लोग को अगर सीरीज लाइटनिंग के लिए यानी बल्ब ये सब जलाना होगा जो भी हम लोग लाइटनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका फिर तीसरा, अभी जो हम लोग ने पढ़ा था रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर क्या था, हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे, ईबी का जो वैल्यू था ये ग्रेटर कर रहे थे VS यानी टर्मिनल वोल्टेज था। तो इस बेसिस पे जो हम लोग एक्साइटेशन के लिए यानी फील्ड फ्लक्स के लिए जो भी हम लोग करंट देते हैं वो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली सीरीज यानी DC सीरीज जनरेटर, ठीक है, ये तभी यूज़ करेंगे जब हम लोग को रीजेनरेटिव ब्रेकिंग वहाँ पे हम लोग को अचीव करना होगा उस बेसिस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा तीन बहुत ही यूज़फुल है एप्लीकेशन DC सीरीज जनरेटर का। अब हमारा है यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर जो है बेसिकली दो तरह का होता है, सबसे पहला है हमारा डिफरेंशियली, और सबको पता है कि डिफरेंशियली जो है हम लोग सिंपली आर्क वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ होता है सबसे ज़्यादा आर्क वेल्डिंग। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड DC जनरेटर, तो इसका यूज़ बहुत ही जगह होता है, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर जितने भी हम लोग मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी जितने भी DC मोटर यूज़ करेंगे और वहाँ पे अगर हम लोग AC को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं DC के अंदर यानी रेक्टिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग इस DC मोटर के अंदर जो फेड देंगे यानी सप्लाई देने के लिए जो जनरेटर यूज़ करते हैं वो हमारा होता है सबसे ज़्यादा कम्युलेटिव DC कंपाउंड जनरेटर। उसके बाद अगर हम लोग को लाइटनिंग के लिए यूज़ करना है तो वहाँ पे भी हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को ज़्यादातर जो भी हम लोग को यूज़ करना होगा यानी DC मोटर जो है DC जनरेटर सबसे बेस्ट जो होता है हमारा कम्युलेटिव भी होता है, इसमें भी हमारा तीन तरह का रेंज होता है, फ्लैट हो गया, ओवर फ्लैट हो गया, ओवर कंपाउंड हो गया, उसके बाद फिर हमारा एक तरह का होता है लेवल कंपाउंड, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लैट कंपाउंड बोलते हैं, ओवर कंपाउंड, एक और जो होता है ये होता है अंडर कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह का हमारा तीन तरह कॉम्युलेटिव है यहाँ पे। तो सबसे पहला हो गया इंडस्ट्रियल के अंदर जो भी मोटर के अंदर सप्लाई देने के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे, उसके बाद हमारा लाइटनिंग के लिए हो गया, उसके बाद फिर जैसे एलिवेटर मोटर ये सब हो गया, फिर सबसे ज़्यादा जो होता है इसके बाद फिर रेलवे, ठीक है, रेलवे सर्किट, रेलवे के अंदर जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे हमारा जो भी पेंटोग्राफ ये सब होता है वहाँ पे, जैसे ट्रेन का जो पेंटोग्राफ होता है वहाँ पे क्या होता है एक तरह 25। अब लास्ट है हमारा यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर, DC कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी हमारा दो तरह का जनरेटर आता है, सबसे पहला है डिफरेंशियली कंपाउंड DC जनरेटर और दूसरा आता है हमारा यहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड DC जनरेटर। अब कम्युलेटिव कंपाउंड DC जनरेटर के अंदर भी हमारा तीन तरह का आता है, सबसे पहला है फ्लैट कंपाउंड DC जनरेटर, दूसरा है ओवर कंपाउंड DC जनरेटर और लास्ट है हमारा अंडर कंपाउंड DC जनरेटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशियली कंपाउंड DC जनरेटर की बात करते हैं। तो डिफरेंशियली कंपाउंड DC जनरेटर हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है आर्क वेल्डिंग के लिए। उसके बाद हमारा जो कम्युलेटिव है, तो कम्युलेटिव में तीनों आता है, तो तीनों बेसिकली, तो फ्लैट का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा नो लोड वोल्टेज यानी जब हमारा DC जनरेटर बिना लोड पे है तो यहाँ पे अगर हम लोग को 200 वोल्टेज मिल रहा है तो फुल लोड पे भी हमारा यहाँ पे 200 वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ओवर है तो ओवर कंपाउंड में नो लोड वोल्टेज जो भी होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, नो लोड वोल्टेज मान लेते हैं अगर 200 वोल्ट है तो इसका फुल लोड जो वोल्टेज होगा ये हमारा 200 से ज़्यादा होगा यानी 230 होगा, 220 होगा, 250 होगा। अंडर कंपाउंड में यहाँ पे अगर नो लोड वोल्टेज हमारा 200 है तो फुल लोड वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड का हम लोग बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को मोटर को सप्लाई देना होगा, जैसे DC मोटर है डिफरेंट डिफरेंट तरह का, तो DC मोटर हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। तो इंडस्ट्री में मान लीजिए अगर हम लोग AC को DC में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, रेक्टिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस DC के अंदर DC मोटर के अंदर जो सप्लाई देने के लिए यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कम्युलेटिव का यूज़ करते हैं रेलवे सर्किट के अंदर। उसके बाद लाइटनिंग के लिए यूज़ करना होगा तो हम लोग लाइटनिंग के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से बेस्ट मोटर है, बेस्ट जनरेटर है DC कंपाउंड जनरेटर, और इसका बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में हम लोग DC मोटर को फेड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ
एप्लीकेशन थे डीसी जनरेटर के, और अब हम लोग यहाँ पे डीसी मोटर का एप्लीकेशन देखते हैं। तो डीसी मोटर भी हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग डीसी शंट मोटर के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले डीसी शंट मोटर में जो हमारा टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जनरेटेड टॉर्क होगा ये हमारा कांस्टेंट, यानी फ्लक्स कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर यानी जो हम लोग लोड के लिए, यानी जो भी हम लोग वी एस यानी टर्मिनल वोल्टेज देंगे उसी में से कट करके हमारा क्या जाता है ये फाई के लिए हमारा यानी आई एफ जाता है करंट, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारा यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होगा ये बेसिकली कांस्टेंट होता है। तो इसका जो टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक होगा ये हमारा कांस्टेंट टॉर्क होगा और कांस्टेंट स्पीड मोटर है। तो इस मोटर का हम लोग बेसिकली वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट टॉर्क प्लस कांस्टेंट स्पीड दोनों चाहिए होता है। जैसे कि सबसे पहला है लेथ मशीन, ठीक है, दूसरा हो गया मशीन टूल। मशीन टूल्स का मतलब होता है कि जितने भी हम लोग छोटे छोटे एप्लीयंस यूज बनाते हैं, जैसे कि हमारा ड्रिल मशीन हो गया, शेविंग मशीन हो गया यानी शेविंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर स्मॉल जो फ़ैन होता है डीसी फ़ैन वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब जितने भी आते हैं सब मशीन टूल्स के अंदर आता है, ठीक है। तीसरा है हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप, चौथा हो गया फैंस एंड ब्लोवर्स, उसके बाद है प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद हो गया हमारा कपड़े के लिए जो भी हम लोग मशीन यूज करते हैं बुनने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए वहां पे भी यूज करते हैं, स्पाइनिंग एंड वीविंग, उसके बाद है हमारा वुड वर्किंग मशीन्स, और लास्ट है हम लोग का फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारा एप्लीकेशन है डीसी शंट मोटर का। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इस सब का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहला लेथ मशीन। लेथ मशीन कहने का मतलब वैसा मशीन जैसे हम लोग को कहीं पे अगर गुना काटना है, गुना काटने मतलब जैसे मान लेते हैं ये पेन जो है एक लोहे का पाइप है और लोहे के पाइप यानी यहाँ पे मुझे गुना काटना है, ठीक है। जैसे कि नट के ऊपर होता है, नट बोल्ट के ऊपर गुना कटाता है, उसको हम लोग जब टाइट करते हैं तो बेसिकली टाइट हो जाता है, ठीक है। तो वो सब जितने भी हम लोग काम करते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं लेथ मशीन। या फिर किसी आयरन के प्लेट पे अगर छेद करना है यानी होल करना है तो वहाँ पे भी हम लोग लेथ मशीन यूज़ करेंगे। या फिर किसी मशीन को हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रीशेप करना है या फिर कोई शेप देना है तो वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं लेथ मशीन, ठीक है। उसके बाद मशीन टूल, तो मशीन टूल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मशीन टूल में बेसिकली हम लोग जैसे ट्रिमर यूज़ करते हैं डीसी, अगर हमारा ट्रिमर है तो वहाँ पे जो मोटर यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ पे शंट मोटर यूज़ करते हैं। तो मशीन टूल से अंदर हमारा बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का मशीन्स आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी एक तरह का मोटर है हमारा जो कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, ठीक है, फेंकने के लिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पानी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉन्ड है और इस पॉन्ड से अगर हम लोग पानी निकालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाएंगे और यहाँ से हम लोग इस पंप की मदद से हम लोग पानी इस पॉन्ड से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पानी भेज सकते हैं। उसके बाद फैन एंड ब्लोवर। तो फैन मतलब पंखा हो गया, डीसी फैन जितने भी होते हैं वहाँ पे हम लोग डीसी शंट मोटर यूज़ करते हैं। ब्लोवर, ब्लोवर बेसिकली हम लोग का एक तरह से जैसे हेयर ड्रायर होता है, ठीक है, जो फैन लगा रहता है अंदर में, सो जब हम लोग स्पीड में चलाते हैं तो हमारा क्या होता है एक तरह से बाल तुरंत सुखा देता है, ठीक है। तो ये ब्लोवर दो तरह का होता है, एक तो सबसे पहले हवा फेंकेगा, उसके बाद फिर अगर इसमें हम लोग हीट के लिए यूज़ करना हो यानी अगर हम लोग को ड्राई करना हो तो वहाँ पर थोड़ा सा हॉट हीट भी हम लोग को बाहर मिलता है, उसे हम लोग ब्लोवर कहते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस भी हमारा एक तरह से जैसे हमारे जहाँ पे भी न्यूज़पेपर छपता है तो वहाँ पे हमारा जो मशीन यूज़ होता है वहाँ पे हम लोग डीसी शंट मोटर यूज़ करते हैं। उसके बाद स्नैपिंग एंड वीविंग यानी कपड़ा एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं। वुड वर्किंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन लकड़ी का जितना भी काम होगा वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे शंट मोटर। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप एक तरह का स्पेशल पंप होता है जिसमें हम लोग एक पिस्टन की मदद से हम लोग क्या करते हैं वाटर का जो भी होता है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, एक तरह से भी हमारा पंप है तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं डीसी सीरीज मोटर के ऊपर। देखिए डीसी सीरीज मोटर का बहुत ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है
और हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने का रीज़न है कि टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो यूज़ होता है डीसी सीरीज मोटर का, ये होता है लोकोमोटिव में, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के अंदर जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर। दूसरा है इसका क्रेन्स हो गया, हॉस्ट हो गया, ट्रॉली कार हो गया, और लास्ट है हमारा कॉन्वेयर, ठीक है। तो लोकोमोटिव समझ रहे हैं, क्रेन्स भी समझ रहे होंगे। क्रेन्स जैसे जब भी एक्सीडेंट ये सब होता है तो वहाँ पे हम लोग किसी भी व्हीकल को निकालने के लिए जो भी मशीन्स लाते हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, क्रेन होता है, ठीक है। हॉस्ट हमारा एक तरह से जैसे बड़ा बड़ा जो भी इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री में जो हम लोग सामान को उठाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे हॉस्ट यूज़ होता है। ट्रॉली कार, ट्रॉली कार यानी जो हम लोग का है उस बेसिस पे इसको समझ सकते हैं। ट्रॉली कार का मतलब क्या होता है, अगर कॉन्वेयर बेल्ट, कॉन्वेयर बेल्ट जैसे अगर आप नेशनल ज्योग्राफी देखते होंगे तो वहाँ पे जैसे कोई भी फूड फैक्ट्री सब दिखाता है, तो फूड फैक्ट्री में जो भी हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो देखिए यहाँ पे कॉन्वेयर बेल्ट लगा रहता है जिसपे हमारा यहाँ पे मान लेते हैं सामान रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है ये बेल्ट हमारा चलते रहता है, ठीक है, चलते रहता है। तो ये हमारा सामान इस पे रखा होता है ऑटोमेटिक भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। कॉन्वेयर बेल्ट में भी हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। डीसी सीरीज में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, उस बेसिस पे यहाँ पे कॉन्वेयर बेल्ट है तो कॉन्वेयर बेल्ट के ऊपर लोड है, लोड है तो उस लोड को एक तरह से फॉरवर्ड करने के लिए यानी मूव करने के लिए हम लोग को टॉर्क चाहिए, तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर यूज़ करेंगे। उस तरह से लोकोमोटिव में भी टॉर्क चाहिए, क्रेन में भी टॉर्क चाहिए, हॉस्ट में भी टॉर्क चाहिए, ट्रॉली कार से जितना भी है इसमें हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का डीसी कंपाउंड मोटर। ये भी हमारा दो तरह का होता है, सबसे पहला है डिफरेंशियली, तो डिफरेंशियली को हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसके अंदर रन अवे कंडीशन आता है। तो इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे ये है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। इसमें देखिए सबसे पहला है हमारा, इस मोटर में देखिए होता क्या है, इस मोटर में जो हमारा टॉर्क होता है इसके अंदर जो हमारा फील्ड है, ठीक है, इस मोटर में फील्ड बेसिकली हमारा दोनों फील्ड होता है, शंट भी और हमारा सीरीज भी, तो दोनों का हम लोग सम करते हैं, सीरीज फील्ड प्लस शंट फील्ड। स्टार्टिंग जब हमारा मोटर स्टार्ट होता है तो सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ शंट पे काम करता है, यानी एक तरह से कांस्टेंट मोटर की तरह काम करता है, यानी शंट मोटर की तरह काम करता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा स्पीड हमारा स्पीड पिकअप करता है उस बेसिस पे हमारा सीरीज भी ऐड होने लगता है, यानी आइए हमारा यानी लोड को जैसे जैसे हम लोग जीरो से इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तक बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हमारा आर्मेचर करंट बढ़ता है, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे फाई एसी भी बढ़ने लगता है। उस बेसिस पे हमारे यहाँ पे जो मोटर का कैरेक्टरिस्टिक है इसका टॉर्क भी स्टार्टिंग हाई होता है, यानी टॉर्क इसका हाई रहेगा और प्लस हमारा कॉन्स्टेंट स्पीड भी होता है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला है शीयर्स, दूसरा है पंचेस, नेक्स्ट है एलिवेटर्स, उसके बाद रोलिंग मिल्स, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्वेयर में भी यूज करते हैं यहाँ पे भी, और लास्ट है हमारा हैवी प्लेन्स। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहला है शीयर्स, तो शीयर्स का मतलब होता है कि वहाँ पे जैसे हम लोग को घास काटना है, ठीक है, तो घास काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से मशीन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी हमारा क्या होता है, एक ब्लेड लगा होता है, ठीक है, और ब्लेड के जो ब्लेड होता है वो कनेक्टेड होता है हमारा मोटर से, तो उसमें जो हम लोग मोटर यूज़ करते हैं हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर होता है। और शीयर्स का मतलब होता है कटिंग करना, ठीक है, इसमें मतलब बेसिकली दो सीजर तीन सीजर यानी तीन ब्लेड चार ब्लेड जो होता है लगा होता है, जो कि हमारा घास या फिर फूल का पत्ता ऐसा जो भी काटना होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं। पंचेस का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं एक हमारा ये है, ठीक है, एक आयरन का टुकड़ा है, इसको हम लोग क्या करते हैं एक शेप में लाना है, ठीक है, तो उस शेप में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करें पंचेस। पंचेस का मतलब होता है फोर्स डालना उस पर। एलिवेटर हो गया, एलिवेटर बेसिकली हम लोग ऊपर जाने के लिए, जैसे हमारा मान लीजिए सेवन्थ फ्लोर का बिल्डिंग है फिर टेंथ फ्लोर का बिल्डिंग है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एलिवेटर यूज़ करते हैं, नहीं तो उसको लिफ्ट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, तो इसमें यूज़ करते हैं हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। उसके बाद हमारे रोलिंग मिल्स, रोलिंग मिल्स का मतलब हुआ जैसे आप अगर जहाँ पे स्टील बनता है, तो स्टील क्या होता है, एक तरह से प्लेट इस तरह से चादर बनता है, ठीक है, स्टील का चादर होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक सर्कुलर
रोल करते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं ये मेरे पास स्टील का चादर है पूरा, तो इसको हम लोग एक जगह दूसरे का भेजना होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, कॉइल की तरह लपेटते हैं, ठीक है, इस तरह से मोड़ते हैं, तो इसी को कहते हैं रोलिंग मिल्स। और ये स्टील के लिए भी हो सकता है, आयरन के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट जो भी है, यानी रोलिंग का मतलब है रोल करना, ठीक है। और ये ज़्यादातर हम लोग अगर हमारा हीटेड है तो हीटेड के लिए यूज़ करेंगे, कोल्ड है तो कोल्ड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये हमारा प्लेट जो है कोल्ड के टाइम में रोटेट करना है, तो रोलिंग का मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, रोल करना, ठीक है। तो रोल करने के लिए हमारा टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए और हमारा स्पीड भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इधर भी जो भी मैंने बताया, घास काटना है तो घास काटने के लिए हमारे पास टॉर्क ज़्यादा रहेगा, तभी तो हमारा ये घास काटेगा ना। कभी कभी ज़्यादा अगर हार्ड पत्ती ये सब आ गया तो उसको काटने के लिए हमारा टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पंचेस के लिए भी ज़्यादा चाहिए, एलिवेटर एलिवेटर एंड लिफ्ट लिफ्ट है, यानी ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाने के लिए हम लोग को काफ़ी लिफ्ट चाहिए। कॉन्वेयर बेल्ट, कॉन्वेयर में भी हम लोग क्या चाहिए, इस पर मान लेती है हमारा कॉन्वेयर बेल्ट है, तो कॉन्वेयर बेल्ट पर सामान रखा होगा, सामान को एक जगह दूसरे को भेजना होगा, तो हम लोग के लिए क्या होगा, एक तरह से टॉर्क चाहिए होगा, कॉन्स्टेंट स्पीड भी चाहिए होगा। उसके बाद हैवी प्लेन्स, तो हैवी प्लेन्स भी एक तरह का हमारा इसी तरह का है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा एप्लीकेशन था डीसी कंपाउंड मोटर का। अब हमारे पास लास्ट है जो है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। डीसी मोटर देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, इसमें हम लोग फील्ड वाइंडिंग के लिए अलग से यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है पेपर मशीन्स, दूसरा है स्टील रोलिंग यूनिट्स। अभी मैंने बताया रोलिंग का मतलब किसी भी चादर को, यानी स्टील अगर यहाँ पे है तो स्टील का चादर को मोड़ना, यानी घुमाना, गोल गोल करके उसको रोल करना। उसके बाद है शिप्स के अंदर जो हम लोग प्रोपेलर यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोपेलर्स, तो प्रोपेलर्स को घुमाने के लिए जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक है। तो ये हमारे एक तरह से तीन एप्लीकेशन है। तो ये कुछ बेसिक्स था। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।